CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम स्वप्न भंगः। किसी गांव में एक भिखारी रहता था, उसका नाम धनपाल था। वह एक घर से दूसरे घर, एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर भीख मांग कर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन भीख मांगने के लिए वह घर से निकला और किसी घर के सामने खड़े होकर आवाज लगाने लगा। माता माता भिक्षाम देहि। रे धनपाल गृहाण। माता तव मंगलमस्तु। अहो अयम भिक्षुकः अद्य पुनः भिक्षार्थम आगच्छति। भिक्षाम देहि। माता चिरं जीवतु ते संततिः। संप्रति अन्यस्मिन् कर्मणि व्यापृता अस्मि, अग्रे गच्छ। भवतु माता अग्रे गच्छामि। अहो अद्य तु मया किमपि दातव्यमासीत्। सुष्ठु समागतोऽयं भिक्षुकः अस्मै ददामि। माता भिक्षुकः गृहाण। तव मंगलमस्तु। रे भिक्षुकः भिक्षुकः आगच्छ, शीघ्रम आगच्छ। मया शीघ्रं गन्तव्यं, तुभ्यं किमपि दत्त्वा एव गमिष्यामि। भिक्षां देहि भिक्षां देहि। आगच्छ शीघ्रम आगच्छ। भिक्षां देहि। गृहाण गृहाण। तव मंगलमस्तु, समृद्धिरस्तु, चिरं जीवतु ते संततिः। अहो साम्प्रतम् अयं मे घटः पूर्णो जातः। आहा अधुना गृहं गच्छामि। एनं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य अस्य अधस्तात् शयनं करोमि। अरे धनपालो धनपालो, त्वया अद्यावधि नोक्तं यत् त्वं किं करोषि। दामोदर यथाकालं वदिष्यामि, साम्प्रतं व्यापृतोऽस्मि। अरे धनपालो कथं व्यस्तः, त्वं न जानासि अहमस्मि दामोदरः। भवतु भवतु, त्वं न जानासि कस्मिन् कार्ये हम व्यापृतः। गच्छ यथेष्टं गच्छ। इसके बाद प्रसन्न मन धनपाल अपने मन ही मन में सोचने लगता है। यदा देशे दुर्भिक्षा भविष्यति तदा अहम् इमान तंडुलान विक्रयिष्यामि। तंडुल विक्रयेण अवश्यं प्रचुरं धनं प्राप्स्यामि। ततः तेन धनेन अजाद्वयं क्रयिष्यामि। अहो अजाद्वयस्य विक्रयेण गोः क्रयणं कृतम्। गवाम अजानाम च क्रय विक्रयाभ्याम धनिको हम संजाता। अहो श्रमस्य फलम लब्धम्, मम व्यापारः उत्तरोत्तरं वर्धते तराम। गच्छता कालेन
मनोरमया सुंदरया एकया कन्यकया साकं मम उद्विवाह जातः। इसके बाद अपने मन ही मन में धनपाल कल्पना करता है और कल्पना लोक में ही वह सुंदर महल बनाता है। कल्पना लोक में ही उसका एक रमणी से विवाह होता है। विवाह के पश्चात दोनों आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। यथाकाल धनपाल के घर एक पुत्र का जन्म होता है। धीरे धीरे पुत्र 8 वर्ष का हो जाता है। अपने कल्पना लोक में धनपाल ने देखा कि उसका 8 वर्षीय पुत्र उसके पास आकर बोलता है। पितः पितः मिष्टान्नं मांचामि, मह्यं मोदकानि देहि, मोदकानि देहि, तात मोदकानि देहि। अधुना अहं कार्येषु अतीव व्यापृतोऽस्मि। मोदकानि देहि तात मोदकानि देहि। गच्छ। अहो भग्नं मे भिक्षापात्रम्, अन्नं सर्वं विकीर्णम्। इस तरह धनपाल के पैर की ठोकर से खूंटी में लटका हुआ उसका अन्न से भरा हुआ घड़ा फूटकर गिर जाता है और उसकी कल्पना समाप्त हो जाती है, उसका स्वप्न टूट जाता है। इस तरह कल्पना में प्राप्त उसकी पत्नी, कल्पना में जन्म लिया उसका पुत्र स्वप्न भंग की तरह नष्ट हो जाते हैं। उसका कल्पना में बनाया गया भवन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि केवल कल्पना से जीवन नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए उद्यम करने की आवश्यकता होती है। हमें यथार्थ में जीवन जीना पड़ता है और यथार्थ के लिए परिश्रम करना पड़ता है। देखो कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। स्वप्न भंगः। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर रंजीत बेहरा, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, गिरीश त्रिपाठी, धनश्री, प्रेरणा और डॉक्टर बलदेवानंद सागर। ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल और विमलेश चौधरी। निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।